असलम दोस्तों, कैसे आप सभी का तो ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मेरे पास आपके लिए ये देखें, इसकी हरकतें देखें, ये ऊपर चढ़ गया, दोनों हवा चल रही है, हो सकता है या नीचे गिर जाए तो मुझे इनके उठाने जाना पड़ेगा। आज मैं अपने सारे के सारे परिंदों को ऊपर ले आया हूँ। वो देखें, हमारी ब्राउन मुर्गी को भी मैं आज ऊपर ले आया हूँ कि इतना टाइम हो गया था, मैंने आपको सारे परिंदे एक साथ में दिखाए थे। और आज एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी आपको बतानी है। बस कुछ होता है ऐसा जिसको बस सह ही सकते और हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो वैसे हुआ है। कल हमारे दोनों के दोनों चूज़े गायब हो चुके हैं, नहीं मरे, पता नहीं क्या हुआ। कल सही थे, शाम को गायब हुए हैं। उसके बाद से मैंने कल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों से कल वीडियो नहीं बनाई, शुक्रिया माजरत। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मैंने हर जगह ढूंढा कि बाहर भी पूछा काफ़ी लोगों से, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले वो दोनों। पता नहीं यार कौन ले गया है, कहाँ गए, बिल्ली खा गई। लेकिन बिल्ली खाती तो कोई ना कोई सबूत रहता, कोई सबूत तो रहता, कम से कुछ कुछ रहता। और दोनों एक को लेके जाती ना, दोनों के दोनों ही गायब हो चुके हैं। बस अब ये होना था तो मैंने कहा तो आपको ये बता दूं कि अब हमारे चूज़े हमारे साथ नहीं है। इतने छोटे इतने से थे जब मैं उन्हें लाया था, बिल्कुल इतने से थे, 50 रुपये के मुझे मिले थे, मैं लाया था इन्हें। और ये मुझे डर लग रहा है कि नीचे ना गिर जाए, तो मैं बड़े शौक़ से लाया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैंने पैसे जमा करके मैंने काफ़ी सारे में थोड़े बहुत चूज़े लाए थे, 6-7 लाया था मैं, और कुछ मेरे पास अपनी असली मुर्गी के भी चूज़े थे। तो वो सारे के सारे मर गए, बाकी सारे के सारे मर गए। और आखिरी जो मेरी उम्मीद थी वो इन दो के साथ थी, अब ये भी ख़त्म हो चुके हैं, तो आखिरी उम्मीद भी मेरी ख़त्म है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद कभी ऐसे चूज़े ना लाऊँ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये देख के यार कि इतने में प्यार से लाया, पहले मेरे कुछ कबूतर होते थे सारे के सारे मर गए। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था परिंदों से, मैं हटने की तरफ था। और मैंने काफ़ी टाइम छोड़ भी दिया परिंदे रखना, ध्यान रखना मेरे पास कुछ था ही नहीं था। तोते भी मेरे पास बहुत दो थे सिर्फ, कबूतर सारे मर गए, 3 मेरे पास बचे हुए थे और मुर्गा मुर्गी थे, तो मैं इनसे भी थोड़ा दूर हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने कोशिश की हिम्मत, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहते। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे 11 चूज़े थे जो मेरी मुर्गियों ने दिए थे, 11 मतलब 11 मुर्गियाँ थे मेरे पास, और मैं 6 लैदा से लाया था। तो उनमें से भी 11 मर गए, और ये 6 थे तो इनमें से 4 मर गए, तो ये 2 रह गए थे। तो मैंने आखिरी उम्मीद ये सोची हुई थी कि हाँ यार ये 2 तो हैं, इन पे मैं अपनी उम्मीद लगा लेता हूँ, हार नहीं माननी चाहिए मुझे। तो अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो यार काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रही है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, बस दुआ आपने ये दुआ करने कि हमारे वो मिल गए यार, अगर वो ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होगा मुझे। मैंने बहुत प्यार से रखा था मैंने यार, और उसके बाद आने भी देनी शुरू कर दी थी। और मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने आखिरी बार ही ना उसकी अजान सुन ली थी। मैंने सोचा था कि यार अभी मैं इसकी अजान ही सुनूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, इसके जितना हो जाएगा, मैं कम से कम 3 साल का, या 3 साल कह रहा हूँ, 1 साल का या फिर 7-8 महीने का होगा, तब इसकी अजान अच्छी होगी, तब मैं सुनूंगा। लेकिन पता नहीं इत्तेफाक से मैंने कहा चलो ये अजान दे रहा था, मैं बाहर जाकर मैंने देख लिया, मैंने कहा चलो देख लेते, और एक बारी सिर्फ इसको मैंने अजान देते हुए देखा था, बस बाकी बारी मुझसे देख भी नहीं पाया, सिर्फ एक बारी देखा था मैंने उसे। और उम्मीद थी कि जनवरी तक या फिर फरवरी में या फिर आगे मार्च तक इन्होंने अंडे देने भी शुरू कर देने थे। बस अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों के दोनों ही जा चुके हैं। और एक और बैड न्यूज़ ये है कि हमारे जो ब्लू तोता है, इसको भी यार ये बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया, पता नहीं यार सेटअप पे क्या हो गया, ऐसे ऐसा सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अब देखें इसको इन्होंने इतना मारा है, इसके पर ख़राब हो चुका है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, आपके सामने ही है सब कुछ। दोस्तों अब मैं ना इनके लिए पानी ले आया हूँ, तो मैं इन्हें पानी डाल देता हूँ, उसको मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। यार उसको बड़ी बुरी हालत हुई हुई है, तो अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है जो आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा। एक बैड न्यूज़ तो गुड न्यूज़ ऐसा होता ही है कि अगर एक बैड न्यूज़ आती है तो उसके साथ गुड न्यूज़ लाजमी होना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं ना इन सबको पहले पानी डाल देता हूँ, पानी थोड़ी सी आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है, वैसे भी थोड़ा कुछ टाइम रह गया, थोड़ी सी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर सर्दी आ जाएंगी, तो तब हमें इनका बस कपड़े का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन परिंदों का ख्याल मेरे हिसाब से सर्दियों में रखना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें सर्दी से बचाना होता है, कपड़े से टाइम पर ढांपना, फिर सुबह उसके ऊपर से उनका जो पिंजरा है सुबह से कपड़ा हटाना, फिर इन्हें पानी करना, अगर फिर सर्दी ज़्यादा होगी तो दोबारा कपड़ा करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनेज करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी मैं सबको पानी डाल देता, फिर मुर्गे को देखें वो उनके पिंजरे में चले गए, वैसे भी पिंजरे ही जाए कोई बात नहीं, इसको मैंने नीचे ही रखना है, ऊपर ही रखना है, सॉरी इस पिंजरे को अब ऊपर ही रखना है, इसको ऊपर रख दे, लगा देते हैं, इनकी लकड़ी गिर गई है,
क्योंकि अब नीचे अगर मैंने रखे ना कोई फायदा नहीं है, इसने जगह घेरनी है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर ही ऐसे रख देते हैं, बेकार हो चुके अब इनका रखना, कोई परिंदा ही नहीं है इसके अंदर रखने का, तो नीचे रखने का फायदा ऊपर रख देते हैं। तो मैंने पानी डाल देता हूँ इधर, और इनका पानी गंदा हो चुका है। ओ भाई साहब गिर गया। तो ये इनका पानी भी हो गया, अब मैं इधर बंद कर देता हूँ, बल्कि आज मैंने जल्दी बंद कर देता हूँ क्योंकि आज मैं ज़रा फ्री हूँ, तो मैंने जल्दी बंद कर दूँगा, और ये खुदो खुद ही बंद हो चुकी है। चल यार सुबह सुबह बंद करते हैं, मैं इनको पहले इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं मुर्गी को बंद कर दूँगा, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रात को बंद करता हूँ। अब ये बहुत डरती है इसे पकड़ने के लिए, इधर क्यों इधर से उड़ के इधर भाग गई, अगर आगे जाता तो ये गिर जाती पीछे, तो अभी ना मैं इसको इधर बंद कर देता हूँ दोस्तों, इनको मैं बंद कर दूंगा अभी के लिए, इजाज़त दीजिए दोस्तों, तो मैं इधर ही करता हूँ व्लॉग एंड मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक लाजमी कर देगा, और मेरे चैनल लाइव बढ़ जाए लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।